हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक नई स्क्रिप्ट के बारे में जिसका नाम है बॉर्डर फिल। आप बोलोगे इस बॉर्डर फिल का फ़ायदा क्या? आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी कुछ एग्जांपल यानी कि सैंपल्स यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से इसमें बॉर्डर फिलिंग होती है इस स्क्रिप्ट के ज़रिए। और ये स्क्रिप्ट को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने 3DX Max में, हम लोग कैसे वर्किंग करेंगे, और आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixany.com यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग आ गए यहाँ पर बॉर्डर्स। ये लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, और इसको आपको क्लिक करना है यहाँ पर। यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड कुछ भी बाय बाय वगैरह करने सब कुछ फ्री है, और क्लिक करना है बस। और इधर पर कुछ ये ऐड वगैरह का कुछ आएगा, इधर पे बस आपको कुछ नहीं करना है, इधर पे इसको कर देना है स्किप यहाँ से। एक बार स्किप कर देना है आपको। अगर इधर बोलेगा अलाउ करने के लिए, इसको एक बार अलाउ कर देना, फिर उसके बाद हम लोग इसको ब्लॉक भी कर देंगे। एक बार डाउनलोड करने के लिए अलाउ कर लेना, इसको ब्लॉक भी कर देंगे। अलाउ करके डाउनलोड हो गया, इसको ब्लॉक कैसे करेंगे? फिर इसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग जा सकते हैं, नहीं तो क्या बार बार इसके ये साइड के मैसेजेस आते रहेंगे। ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा ब्लॉक करने के लिए, आपको अपने सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में नोटिफिकेशन में जाना होगा, इसमें आते हैं साइट सेटिंग नोटिफिकेशन ऑक्स नोटिफिकेशन सेटिंग, ये रहा तो इसके अंदर देख सकते हो इसे अपना अलाउ है, इसको कर देते हैं रिमूव यहाँ से। ये भी अभी अलाउ किया हमने, एक बार डाउनलोड हो गया तो इसको हम लोग की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अलाउ किया था जो हम लोग ने, इसको कर दिया रिमूव। ठीक है, अपना काम हो गया बस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये हम लोग को स्क्रिप्ट मिल चुकी है, ये मैंने पहले भी डाउनलोड किया था तो मेरे को यहाँ पर स्क्रिप्ट मिल गई है। और इसको यूज़ इंस्टॉल कैसे करेंगे ये बताऊंगा मैं, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर, फिर अपने 3DX Max में आया। 3DX Max में आना है आपको, यहाँ पर जाना है मैक्स स्क्रिप्ट में, रन करना है स्क्रिप्ट को, फिर जहाँ पर भी ये पेस्ट कर देना जहाँ पर भी ओपन हो। मैं इसको डेस्कटॉप पे रखूँ या फिर जहाँ पर भी रखूँ, मैं वहाँ पर से मैं इसको निकाल लेता हूँ। आप जहाँ पर भी रखोगे वहाँ से आप ओपन कर लेना, तो मैं अभी यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। तो अभी आप बोले तो हुआ नहीं, तो ये फ़िलहाल आपके 3DX Max में इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको इसको बाहर की तरफ निकालना होगा, वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको करना होगा, जाना होगा कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में। यूज़र इंटरफेस में जाते ही आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा, यस इस तरह से ओपन होगा। फिर हम लोग को जाना है टूल बार में, टूल बार में जैसे ही जाएंगे फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर सर्च करना होगा हमें एक एक कैटेगरी को। तो एक एक कैटेगरी को एक पे क्लिक कर लेते हैं, फिर नीचे की तरफ जो डाउन बटन होता है अपना, जो डाउन बटन होता है अप एंड डाउन बटन, उससे मैं डाउन कर रहा हूँ जैसे मेरे को वो दिखेगा वो स्क्रिप्ट। ये नहीं, देखो ये आ गया पॉली ऑफ बॉर्डर फील। तो इसको मैं ड्रैग करके अपने इसमें, अगर आप इसमें भी लेके जा सकते हो यहाँ पर भी, मगर आप अलग से भी बना सकते हो। एक बना दीजिए एक अलग से बार जिसमें आप उसको डाल सको, एक सेपरेट बार, ये सेपरेट बार बन गया। अब बोलोगे ये तो कुछ दिख रहा नहीं है इन लोगों की तरह, ये तो जैसे डिजेबल दिख रहा है। ठीक है, डिजेबल दिख रहा है। अभी यहाँ पर मैं एक स्पीयर लेता हूँ यूज़ करने के लिए कि कैसे ये वर्क करता है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पीयर है, अभी इसके अंदर से मैं इसको एडिट पॉली कर दूंगा, कुछ भी रैंडम चीज़ इसमें से रिमूव कर दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ 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 ऐसे क्या तो रिमूव कर दिया। ये रिमूव हो गया, डन, ये ऐसे रिमूव हो गया। फिर अभी मैं इसको करूँगा फिल, वो फिल कैसे करूँगा? सबसे पहले तो इधर पे ये काम किधर करता है, ये काम करता है वर्टेक्स में, आप इसका ध्यान रखिए ये वर्टेक्स पे काम करता है। वर्टेक्स पे जैसे ही हम लोग आएंगे यहाँ पर देखो ये एबल हो जाता है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है दो दो यानी कि 1 और 2 जिसको आपको पैक करना है। तो इधर करते हैं फिल, अभी देखो ये इस तरह से हो गया, नहीं हम लोग को इस तरह से पैक नहीं करना है। सेम थिंग हम लोग अगर इस पर भी वही चीज़ अप्लाई करना चाहें, जैसे वर्टेक्स में चलते हैं मतलब बाउंड्री में चलते हैं, और सॉरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पार्ट को करते हैं फील। ये देखिए ये इतना फील हो गया परफेक्ट, ये वाला फील हो गया इतना,
मगर अभी ये वाला परफेक्ट फील नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको कर देते हैं डिलीट। ये फील नहीं हुआ है परफेक्ट, तो इसको परफेक्टली फील करने के लिए हम लोग करते हैं यूज़ इसे बॉर्डर फिलिंग के लिए। कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक एंड फिल। अभी ये देखो याला फिल हो गया, मगर याला अभी भी एरर दिखा रहा है इसमें। इसको भी याले पार्ट को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अभी इसके ये वाले में एरर आ रहा है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या वर्किंग करना है। इसमें थोड़ा सा रेफरेंस दिखाया है, इधर इधर आप क्लिक करोगे तो ये आपका इफेक्ट बनेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया तो ये पूरा फेल हो गया। एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड हम लोग देखते हैं, एंड टू एंड हम लोग फिल करके देखते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको फिर से करता हूँ अंडू, ठीक है। अभी मेरे को इसको पूरा फिल करना है, इसको पूरा फिल करना, तो मैं इसके एंड टू एंड लेके जाऊँगा। एंड टू एंड यानी कि इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, दो पार्ट, ये अपना अपने आप ही पूरा फिल कर देना चाहिए। देखते, ओ वाओ क्या बात, यानी कि ये एंड टू एंड पूरा फिल कर देगा, एंड टू एंड, ठीक है। तो ये काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छा है स्क्रिप्ट इसके लिए, पूरा फिल कराने के लिए। जैसे कुछ अगर कहीं पे एरर्स आ जाते हैं इस तरह के, ये काफ़ी इजी हो गया अभी मेरे लिए। अगर समझ लो मैं गलती से पूरा पूरा डिलीट कर दिया होता, गलती से, अभी चलो इसको मैं पूरा करता हूँ, फिर से हम लोग करते हैं। हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक अगर उसको पूरा डिलीट कर देते हैं, समथिंग लाइक, ये स्क्रिप्ट अपने आप ही समझ लेता है किधर पे कैसा मैच रहेगा। हम लोगों को कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं। समझ लो गलती से मैंने इसको इतना डिलीट कर दिया, इतना, ठीक है, ठीक है। तो अभी मेरे को इसको पूरा फील करना है, पूरा पूरा फील करना है। गलती से ये पीछे वाला भी डिलीट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो इसको भी मेरे को पूरा पूरा फील करना है। तो पूरा फील कैसे करेंगे, तो उसके लिए सेम वही थिंग, बस हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट लेना है और करना है बॉर्डर फील। वाओ क्या बात, एकदम सही आ गया यार। बस थोड़ा स्मूथ नहीं, तो स्मूथ के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। या फिर हम लोग स्मूथ के लिए सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग को मिल जाता है ऑटो स्मूथ। ऑटो स्मूथ अप्लाई कर दिया, मोटा मोटा ऑटो स्मूथ हो गया ये भी। अगर नहीं होता तो हम लोग मैस स्मूथ यूज़ कर सकते हैं। ऑटो स्मूथ तो आई थिंक सोल्यूशन हो गया यार, ठीक है। पता नहीं चल रहा है कहाँ पे मैंने काटा था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तब नहीं आ रहा कि मैंने काटा किधर था, इधर भी आसपास में ही काटा था मैंने, पता नहीं चल रहा है। ऑटो स्मूथ कर दिया, यस, ठीक है। तो अभी ये भी फील करना है मुझे, तो इसको भी आप बोलोगे इसको भी वैसे फील कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ईजी है। तो सेम वही हम लोग बस दो पॉइंट को सेलेक्ट कर दो बॉर्डर फील या फिर, ठीक है। तो ये होगा काफ़ी इजी वाला स्टेप। समझ लो गलती से आपका कहीं पे ऊपर के शेप में, समझ लो कोई मॉडल्स है, मॉडल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम लोग किसी मॉडल के ऊपर चेक करते हैं, किसी मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम आ गई है तो उसके अंदर सोल्यूशन कैसे करता है। तो एक मॉडल को मैं लेता हूँ, उसके अंदर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये बॉर्डर को यूज़ करके देखते हैं कि उधर पर इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर काम करते हैं, एक मॉडल निकालते हैं। जैसे कि मैंने पॉट ओपन कर लिया, अब इसके अंदर समझ लो किसी के अंदर कुछ एरर हो, जैसे कि इसके अंदर ही मैं एक एरर क्रिएट कर देता हूँ। एक एरर मीन्स किस तरह का, जैसे कि अगर इसके कुछ फेसेस उड़ गए हों, इस तरह से क्रिएट हो गए हों, ठीक है, ये फेसेस उड़ गए हों, और ये तो फेस, तो फेस के कुछ प्लांट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, प्लांट के अंदर प्रॉब्लम हो गया हो, प्लांट के अंदर मीन्स एक कुछ फेसेस उड़ गए हों, इस तरह से आ रहा हूँ। कुछ सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनके लिए भी सेम वही टूल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये बाउंड्री फिली टूल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्ले लुक में जाता हूँ ताकि मैं पता चले किधर पे क्रिएट हुआ है फेस, सेलेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको और इसको सेलेक्ट किया एंड करता हूँ बॉर्डर फिल। देखो पूरी तरह से पैक कर दिया अपने आप ही, सिर्फ मैंने एक दो को सेलेक्ट किया, बाकी अंदर के जो अटैचमेंट है उसने खुद ही कर लिया, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे इसके पूरे एसेस को देखेंगे, ये देखो कहीं पे भी टेक्सचर मिसिंग नहीं, टेक्सचर पूरी तरह से प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। तो सेम थिंग हम लोग इसमें भी वही चीज़ कर सकते हैं,
जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हो इसके यूटिल मैपिंग ओपन की है, तो इसको हम लोग भी प्ले ऑप्शन ऑन कर देते हैं ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे कहाँ पर प्रॉब्लम है ये। और इसको कर देते हैं, इससे वर्टेक्स में चलते हैं, फिर वर्टेक्स में आ गए, फिर वर्टेक्स से मैंने एक ऊपर का और एक इधर का और एक इधर का लास्ट सेलेक्ट कर लिया एंड कर देता हूँ फिल। कुछ सेकंड में फटाक से हो जाता है सब कुछ, काफ़ी इजी है टूल। कहीं पे भी एरर आते हैं इस तरह के बॉर्डर फिलिंग के, कहीं पे आपने कुछ काम कर रहे हो उधर बॉर्डर फिलिंग करना हुआ, वहाँ पर आपको ये टूल काफ़ी ईजी पड़ेगा। ये जो स्क्रिप्ट है काफ़ी फ्री है, अब वो भी फ्री और फ्री मिल रहा है तो फिर ले लो जाके, लिंक पे जाके और यूज़ करो। कहीं पे भी इस तरह की आपको इम्पॉर्टेंट होती है फीलिंग करने के लिए, ठीक है। तो बस तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि हम लोग इस तरह से ये बॉर्डर जो फीलिंग वाला जो ये टूल है कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं और अपने 3ds Max में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको इस तरह के 3D मॉडल चाहिए, इस तरह के प्लांट्स वाले 3D मॉडल, यानी कि और भी बहुत सारे 3D मॉडल, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन के 3D मॉडल्स, वो भी लोएस्ट प्राइस में, तो pixelnet.com पे विजिट करना ना भूलिएगा। तो वहाँ पर आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे, बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।